of the BJP government. He has been the former president. सभी जानते हैं. Thank you very much. हमारे मित्र और जिसे मैं अपना छोटा भाई मानता हूं, ऐसे भारत के लॉ मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी और आर्म फोर्सेस ट्रेवलर के चेयरपर्सन जस्टिस राजेंद्र मेनन जी, मेंबर आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल लेफ्टिनेंट जनरल बीएम हरीस, जस्टिस सुनीता गुप्ता मेंबर आर्म फोर्सेस, श्री एके त्रिवेदी जी प्रेसिडेंट आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन, श्री राजीव मांगली सेक्रेटरी आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एडमिरल आर हरिकुमार जी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड जनरल मनोज जी पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और यहाँ पर आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के जो न्यायमूर्तिगण बैठे हैं उनको भी संबोधित कर रहा हूँ, मीडिया के मित्रों को भी और एडवोकेट्स को भी मैं संबोधित कर रहा हूँ. वैसे तो कार्यक्रम के लिए मैंने अपनी कंसेंट दे दी थी, लेकिन वही मैं जस्टिस मेनन से भी चर्चा कर रहा था और किरण जी से भी, लगातार कार्यक्रमों की इतनी के कारण इतनी अधिक व्यस्तता रही कि मुझे पहले रात तक ये लग रहा था कि इस कार्यक्रम को हमको स्किप करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा कि जिस कार्यक्रम में जा रहा हूं उसमें जस्टिस की बहुत ही अहमियत होती है, और यदि मैं ऐसा करूंगा तो सचमुच डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए इस आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के साथ जस्टिस नहीं होगी. इसीलिए यहां आने का मैंने फैसला किया, क्योंकि जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे, हमारे चेयरपर्सन आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के यहां पर थे, कोई बहुत आवश्यकता हमारी नहीं थी, क्योंकि ये लोग जो भी कहते हैं वो सब करता ही हूं मैं. और एक जब मैं इसके टॉपिक को मैंने देखा इंट्रोस्पेक्शन आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, थोड़ी सी रुचि हमारी बढ़ी. इंट्रोस्पेक्शन की मनुष्य के जीवन में क्या अहमियत होती है ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन करते हुए भी हमको बचना चाहिए. प्रोबेबिलिटी एरर बनी रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बनी रहती है इंट्रोस्पेक्शन में भी. फिर इंट्रोस्पेक्शन करते समय भी हम सबको कासत रहने की जरूरत है, और इस इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए आप लोगों ने यह सेमिनार आयोजित की है, इसके लिए मैं आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन को अपनी तरफ से मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है. भगवान बुद्ध ने भी कहा है अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो, और यही संदेश उन्होंने मानवता को भी दिया है. और हमारे यहां तो आत्मावलोकन इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ही एक पुरानी परंपरा चली आ रही है. कबीर जी का भी एक दोहा सुना होगा आपने, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिला कोई, बुरा जो दिल खोजे आपना मुझसे बुरा न कोई. यही इंट्रोस्पेक्शन है. तो हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने भी बहुत पहले से इन सब सारी चीजों पर विचार किया है, और क्या करना चाहिए व्यक्ति को, क्या करना चाहिए समाज को, इसके संबंध में उन्होंने अपने व्यूज भी दिए. इसी तरह महात्मा गांधी भी कहा करते थे इफ यू कुड चेंज अवरसेल्स द टेंडेंसी इन द वर्ल्ड वुड आल्सो चेंज. ये महात्मा गांधी ने भी कहा, तो वह भी अपने अंदर झांकने और अपने कर्तव्यों के प्रति उन्मुख होने अथवा इंट्रोस्पेक्शन की ही बात करते हैं. और जब आज हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं और आपने लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री के भी भाषण को सुना होगा, उन्होंने 5 प्रण लेने की बात कही है, विकसित भारत, दास मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता के प्रण के फाउंडेशन में देशवासियों से कर्तव्य परायणता की भी वो बात करते हैं. कर्तव्य परायणता का जहां तक प्रश्न है, दरअसल हमारे अंदर ही
का ही यह गुण है और इसे हमें हम तभी अपने जीवन में उतार सकते हैं जब हम अपने कर्तव्यों को समझ सकेंगे और इसे समझने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा यानी इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। इसे ही आत्मावलोकन कहते हैं। ऐसे में आप सभी ने जब इंट्रोस्पेक्शन विषय पर आज का सेमिनार रखा तो मैं कह सकता हूं कि आप सब ने भी एक संकल्प लिया है कि भविष्य में आप अपने स्तर पर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल को और अधिक इफेक्टिव और रेस्पॉन्सिव बनाएंगे। यह आपने संकल्प लिया है, शायद इसीलिए इंट्रोस्पेक्शन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल पर सेमिनार यहां रखा है और यह सेमिनार इसी संकल्प की एक अभिव्यक्ति है ऐसा भी मानता हूं। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ता था और उसके बाद जब थोड़ा सा टीचर वगैरह बनने के बाद भी जब कहीं भी सेमिनार और सिंपोजियम होता था तो स्वाभाविक रूप से हमारी रुचि रहती थी सुनने की और नोट बनाने की। मैं वहां पर पहुंच जाया करता था, हमारी रुचि रहती। इसलिए सेमिनार ये इंट्रोस्पेक्शन इस नाम से ही इसी कारण में आ गया। और साथियों जब जब भी न्याय व्यवस्था की बात होती है पहली बात हमारे मन में यही आती है कि जुडिशियरी हमारी डेमोक्रेसी की एक स्ट्रांग पिलर है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पर जुडिशरी का पिलर कौन है, बल्कि मैं कहूंगा कि जुडिशरी का फाउंडेशन क्या है, इस पर आमतौर पर कम ही चर्चा होती है। जुडिशरी के फाउंडेशन है हमारे कोर्ट के अफसर यानी बार यानी आप सब, और यह हमारी लायर कम्युनिटी ही है जिसके चलते छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, अमीर गरीब शहरी ग्रामीण यानी समस्त देशवासियों का हमारी न्याय व्यवस्था के प्रति भरोसा यह बना हुआ है। अनेक बार होता है कि विवाद में एक भाई दूसरे भाई पर भरोसा नहीं करता है, अपने सगे संबंधियों पर भरोसा नहीं करता है, पर लायर और कोर्ट पर पूरा भरोसा करता है क्योंकि उसे यह मालूम होता है कि लायर और कोर्ट बिना किसी बायस के और पार्शियलिटी के उसको न्याय दिलाएंगे, इसीलिए वह भरोसा करता है। हमारे लायर जस्टिस की स्पिरिट का एक जीता जागता उदाहरण है ऐसा मैं मानता हूं और यह जस्टिस की स्पिरिट ही थी जिसके चलते स्वतंत्रता संग्राम में लायर्स ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, न केवल स्वतंत्रता संग्राम में बल्कि आजादी के बाद भारत को एक नया आकार देने में भी और इसकी दशा और दिशा तय करने में भी लायर्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे श्री राजगोपालाचारी हों, बाल गंगाधर तिलक हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, यश श्रीनिवास अयंगर हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों, ऐसे एक नहीं अनेक नाम हैं जिनके योगदान के बिना हमारा भारत वह भारत नहीं होता जो कि आज वह है। न्याय की भावना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के मन में भी विद्यमान थी और हमारे संविधान निर्माताओं के भी मन में विद्यमान थी जिन्होंने संविधान के रूप में भारत के भविष्य का खाका खींचा था। और हमारी आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ऐसे में आज जब आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल आत्मनिरीक्षण की ओर आगे बढ़ रहा है तो यह निश्चित ही प्रशंसनीय है। साथियों आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल पर विचार करें तो जो पहली बात हमारे मन में आती है वह यह कि इस ट्रिब्यूनल की हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ी। केवल इसी ट्रिब्यूनल की नहीं बल्कि जितने भी ट्रिब्यूनल हैं आखिर उनकी स्थापना की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसका कारण हमें हमेशा अपने जहन में बिठाए रखना चाहिए और ये कारण ही दरअसल में हमारे ये मैंडेट हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे कोर्ट्स में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि हमारे इस आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन ने भी कहा और हमारे लॉ मिनिस्टर ने भी कहा। न केवल ये बढ़ते जा रहे हैं बल्कि केसेस अलग अलग डोमेन से होते हैं, उनमें डाइवर्सिटी होती है और इस डाइवर्सिटी के चलते केसेस का डिस्पोजल काफी टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। परिणाम यह होता है कि तारीख पर तारीख लगती जाती है और केसेस की पेंडेंसी भी बढ़ती जाती है। कई बार तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़कर इंसान का सब कुछ खत्म हो जाता है पर मुकदमा खत्म नहीं होता। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में संभवतः उतनी वैसी बहुत स्थिति नहीं होगी, लेकिन फिर भी समय तो कुछ ना कुछ कभी कभी कुछ केसेस में लग ही जाता है। लेकिन हमारे आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन ने इस ओर बहुत ही अधिक ध्यान दिया है।
मुझे मालूम है कि आप सब बहुत अच्छे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ लायर्स हैं, और हमारे एक मित्र, एक मैं घटना की चर्चा करना चाहता हूं, बताते हैं कि एक वकील साहब ऐसे थे जिनकी चर्चा वैसे वकील साहबान के बारे में बहुत ज्यादा इधर उधर होती है, बहुत खींच खींच कर अपना ऐसे ही मुकदमे की तारीख जो है आगे बढ़ाया करते थे। मुकदमा स्वाभाविक है, खत्म नहीं होगा तो आमदनी बढ़ती ही है, यह भी सच्चाई है। और जब उनकी अवस्था बहुत अधिक हो गई है तो लंबे से समय से चला रहा हुआ मुकदमा उन्होंने सनील लाल को अपने दामाद को हैंड ओवर कर दिया कि भाई अब तुम देखो। महीने भर के बाद दामाद जी भी खुशी खुशी आए और सूचना दी कि पिताजी जो केस लड़ने की जिम्मेदारी आपने हमारे कंधों पर दी थी उसका निपटारा हमने कर दिया। वकील साहब अपने दामाद पर बेहद नाराज हो गए, तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। बोले मूर्ख इस मुकदमे के दम पर दादा हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई और तुमने ये मुसीबत कर दी, तुरंत मामले का निस्तारण करा दिया, भगवान ही तुम्हारा मालिक। वैसे यह कहानी शायद लोगों के मनोरंजन के लिए ही बनी होगी अथवा लोग चर्चा करते हैं, मैं ऐसा मानता हूं, पर वास्तविकता यह है कि हमारी वकील बिरादरी की निष्ठा और उस पर उनके जुडिशियस नेचर पर मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहता हूं। लोगों में जुडिशियरी के प्रति भरोसा अगर बरकरार है तो उसके पीछे लायर कमिटी का भी एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसे नकारा नहीं जा सकता। हालांकि यह भी सही है कि कभी संसाधनों के अभाव में तो कभी प्रोसीजरल डिलेज के चलते काफी बड़ी संख्या में केसेस का भी निस्तारण नहीं हो पाता, यह भी सच्चाई है, इसे भी हमको मानना पड़ेगा। आज की डेट में हम देखेंगे तो जैसा कि हमारे लॉ मिनिस्टर किरण जी कह रहे थे कि 5 करोड़ केस भी देश भर में पेंडिंग, क्यों यही है ना, पहुंचने वाले हैं, मतलब इसकी प्रतीक्षा की जा रही है कि हो जाए। ऐसे में डोमेन स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल्स की परिकल्पना की गई, इसीलिए ट्रिब्यूनल्स की कल्पना की गई है। ये स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स डोमेन स्पेसिफिक केसेस को शीघ्रता से डिस्पोज ऑफ करने में ये अधिक सक्षम होते हैं, और मैं कहना चाहूंगा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस मेनन यह आर्टिफिशियल ट्रिब्यूनल इस काम को कर रही है। वैकेंसीज हैं लेकिन वैकेंसीज को फिलअप करने का भी काम लगभग पूरा हो चुका है और सारी वैकेंसी जल्दी फिलअप हो जाएंगी, अभी चीज प्रोसेस में। ट्रिब्यूनल्स की इंपॉर्टेंस का जहां तक सवाल है, ट्रिब्यूनल्स की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सेप्टेंस के साथ ही ट्रिब्यूनल एग्जिस्टेंस में आने शुरू हो गए थे। उसी समय इनकम टैक्स, एपिलेट ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसी तरह वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, मैंने कई ट्रिब्यूनल्स एग्जिस्टेंस में है। कंज्यूमर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल भी बना और बदलते समय के अनुरूप न्याय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में ट्रिब्यूनल्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और मैं यह मानता हूं कि ट्रिब्यूनल्स की यह भूमिका आगे और अधिक बढ़ने वाली भी है। मित्रों, हम सब यह जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट की शरण में तभी लेता है जब उसके अधिकारों को प्राप्त करने के सारे अन्य रास्ते बंद हो जाते हैं, और यह बड़ी आशा के साथ कोर्ट और लायर्स के पास आता है। अब ऐसे में अगर उसको न्याय मिलने में देरी होती है तो स्वाभाविक रूप से देश की न्याय व्यवस्था से उसका भरोसा डिगने लगता है, और किसी के साथ अन्याय होना केवल इंडिविजुअल और तात्कालिक प्रभाव वाला ही नहीं होता है बल्कि यह न्याय न पाए हुए आदमी के साइकी पर भी प्रभाव है और उसके सामाजिक रूप से दूरगामी नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। उसे पूरी न्याय व्यवस्था, पूरा समाज और पूरा राष्ट्र जैसे अन्यायी दिखने लगता हो। सबने हमारे साथ अन्याय किया है, वो ऐसी फीलिंग उसके अंदर डेवलप होती है। इसलिए हमारी परंपरा में जस्टिस को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, मैं कहूं कि बहुत ही विशिष्ट स्थान प्राप्त है, यह भी कहना आक्षेपपूर्ण नहीं होगा। हमारे यहां कहा भी गया है न्याय मूलम सुराज्यम स्यात्, यानी सुराज्य का आधार ही, मूल आधार ही न्याय है।
अगर न्याय में कोई बाधा पड़ती है तो अन्याय के ऊपर अन्याय को यदि प्रश्रय मिलता है तो सुराज्य को नष्ट होने से कोई बचा नहीं सकता। और हमारी हिस्ट्री और लिटरेचर में अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो इनजस्टिस के कारण हुए विनाश की कहानी कहते हैं। द्वापर युग में द्रौपदी के साथ हुए अन्याय के बारे में आज कौन नहीं जानता, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध और समस्त कौरव कुल के विनाश का कारण बनता है। यह बड़ा उदाहरण। इसी तरह आप सभी एक तमिल इपिक सिलप्पाधिकारम शायद इनमें से कुछ लोगों ने पढ़ा हो, उसका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा था, उससे शायद परिचित होंगे। इसमें कोवलम नाम का एक व्यक्ति, इस बात को मैं समझता हूं कि जस्टिस मेहरा साहब जानते होंगे, पढ़ा होगा जरूर, आपने पढ़ा होगा क्योंकि इस न्यायपालिका में आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इनमें कोवलम नाम के एक व्यक्ति अपनी पत्नी कन्नगी की जो एंकलेट है, अपनी पत्नी की एंकलेट लेकर वह बाजार में बेचने के लिए जाता है, जिसे कुछ पैसा जो भी प्राप्त होता है वो पैसा प्राप्त करता है, धनराशि लेता है और उसके बाद व्यापार करने की वो कोशिश करता है। पर होता क्या है, ठीक वही एंकलेट से मिलता जुलता एक वहां की जो महारानी थी, कुछ दिन पहले उनकी एंकलेट उससे मिलती जुलती एंकलेट थी, महारानी की एंकलेट चोरी हो गई। कोवलम दुर्भाग्यवश उसी व्यापारी के पास पायल लेकर जाता है, वो एंकलेट को लेकर जाता है जिसने रानी की एंकलेट को चुरा लिया, उसी के पास लेकर जाता है। अब कोवलम के साथ मिलती जुलती एंकलेट देखकर वह व्यापारी बहुत खुश होता है और व्यापारी अपने बचने और इनाम पाने के लालच में कोवलम पर रानी की एंकलेट की चोरी का आरोप लगाता है और उसे राजा के समक्ष प्रस्तुत करता है। राजा बिना कुछ सोचे समझे सीधे उसको जो है कोवलम को मृत्युदंड की सजा दे देता है। यह कहानी है। और कोवलम की मृत्यु का पता कन्नगी को लगता है, पत्नी को। वह राजा को कंडम करती है और श्राप देती है, जिसमें पांड्य राजा की मृत्यु होती ही है, साथ ही मदुरई का उसका संपूर्ण राज्य भी जलकर खाक हो जाता है। आह की वेदना की आग कितनी प्रचंड होती है, तो जिसे कहते हैं प्रबल होती है कि हम कल्पना कर सकते हैं प्रसंग के माध्यम से। यह प्रसंग बताते हैं कि समाज और राष्ट्र में न्याय का क्या महत्व होता है, उसे सुनिश्चित करने का राज्य का हर संभव प्रयास होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी हरेक व्यक्ति के न्यायिक अधिकारियों की बात करते हुए कहता है कि एवरीवन इज एंटाइटल्ड इन फुल इक्वलिटी टू ए फेयर एंड पब्लिक हियरिंग बाई एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल इन द डिटरमिनेशन ऑफ हिज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड ऑफ एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम। यह उल्लेखनीय है कि हमारे ट्रिब्यूनल्स इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। साथियों, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया के कुछ ही देश ऐसे हैं जहां उनकी आर्म्ड फोर्सेस के एक डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल है, सभी जगह ऐसा नहीं है। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे पास न केवल एक ऐसा ट्रिब्यूनल है, बल्कि पीछे मुड़कर देखें तो हम पाएंगे कि भारत ने इस इनिशिएटिव के साथ एक अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छी तरह परफॉर्म भी किया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के पास ओरिजिनल और एपिलेट दोनों ज्यूरिडिक्शन है, जबकि आज भी इंग्लैंड और अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में उनके पास अपनी आर्म्ड फोर्सेस संबंधित मामलों से निपटने के लिए ओरिजिनल पावर्स नहीं है। सरकार इसे और अधिक रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए कमिटेड है और लगातार यह सरकार उस दिशा में प्रयास भी कर रही है, ताकि जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए थे उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने अपनी अब तक की यात्रा में सर्विंग सोल्जर्स और एक्स सर्विसमैन की लेजिटिमेट एस्पिरेशंस को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ग्रीवेंसेस के रेडिट्रेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट फोरम है और एडवोकेट्स, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल और एक्स सर्विसमैन और उनकी फैमिलीज को
न्याय प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो लोग सीमाओं पर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, आप सब उनके हितों और अधिकारों की रक्षा करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और यह दिखाता है कि एडवोकेसी केवल एक प्रोफेशन ही नहीं है, यह समाज और राष्ट्र के प्रति हमारा एक उत्तरदायित्व तो भी है, जिसका निर्वहन यह बार एसोसिएशन भली भांत कर रहा है। इसलिए बार एसोसिएशन को भी अपनी तरफ से बधाई देता हूं। भविष्य में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल अपने अंदर बदलाव लाएगा और जो भी करना होगा, जो भी आवश्यक होगा, वो निश्चित रूप से करेगा। क्योंकि जस्टिस मेनन को मैं केवल जब से ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बने हैं तब से नहीं जानता हूं, बहुत पहले से इनको जानता हूं, इसलिए मैं इस संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त हूं। और मैं गवर्नमेंट की तरफ से कहना चाहता हूं, जो भी आपको इसमें रिफॉर्म करना हो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। जुडिशियल ऑर्डर्स के इम्प्लीमेंटेशन में कहीं किसी प्रकार की देरी होती है, उन मामलों को सामने लाया जाना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किसी भी पर्सनल को न केवल न्याय प्राप्त हो बल्कि समयबद्ध तरीके से न्याय प्राप्त हो, यह आवश्यक है। कहा भी गया है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और हमने एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर डेवलप कर टाइमली जस्टिस डिलीवरी को अपने चार्टर में लाने का हमें प्रयास करना चाहिए। हालांकि ऐसा करते समय हमें अत्यंत सावधानी बरतने की भी जरूरत है, अन्यथा जस्टिस हरी जस्टिस बरी का भी यह खतरा बना रहता है। ऐसे में टाइम और प्रोसीजर के बीच बैलेंस बनाते हुए चलना मैं मानता हूं कि आज के समय की एक महत्वपूर्ण मांग है। जस्टिस की टाइमली डिलीवरी न केवल आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल पर बोझ कम करेगी बल्कि इसके प्रति उन सैनिकों में विश्वास जगाएगी जिन पर यह पूरा का पूरा राष्ट्र पूरी तरह से विश्वास करता है। आप सबने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज यहां पर ये सेमिनार जो आयोजित की है, इसके लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं पूरे बार एसोसिएशन को। और इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए इस सेमिनार की सफलता के लिए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। Thank you so much, sir. It's our privilege to have you here.